नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, बात करेंगे बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में। स्टॉक में एक शानदार तेजी बनी है। कारण यह है कि ब्लैक फंगस के लिए कंपनी ने एपीआई लॉन्च कर दी है, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो रॉ मटेरियल यूज होता है ब्लैक फंगस की दवाई को बनाने में, वो रॉ मटेरियल की खोज इन्होंने कर ली है, इन्होंने बना लिया है। और स्टॉक में इंट्राडे में 10% का उछाल देखने को मिला है। कंपनी ऑलरेडी बहुत शानदार है, बजाज ग्रुप की कंपनी है, कहीं कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो देखिए, खबर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बजाज हेल्थ केयर स्टॉक जंप्स 8% हिट 52-week हाई और लॉन्चिंग ब्लैक फंगस ड्रग। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, द कंपनी सेड एफडीए गांधीनगर गुजरात इंडिया हैज ग्रांटेड परमिशन टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट द पोसाकोनाजोल एपीआई। ये इसका नाम है, केमिकल नेम एपीआई का है, इन द डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज मार्केट। तो डोमेस्टिक के साथ साथ हो सकता है ये लोग इस दवाई को एक्सपोर्ट करते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक प्रेस रिलीज जो है BHL ने जारी की है, इसे आप देख सकते हैं। बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ APIs इंटरमीडिएट्स एंड फॉर्मुलेशंस हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ पोसाकोनाजोल API यूज्ड इन ट्रीटिंग म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन इन COVID-19 पेशेंट। BHL हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम FDA गांधीनगर। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो इसके लिए अप्रूवल मिलने के साथ साथ ये बोल रहे हैं कि इट विल कमेंस इट्स कमर्शियल प्रोडक्शन फ्रॉम 1 June 2021। तो 1 June से ये लोग परमिशन अभी मिल गई है और 1 June से ये लोग बनाना स्टार्ट भी कर देंगे। ये काफ़ी अच्छी फुर्ती कंपनी ने यहाँ पर दिखाई है। ये इस कंपनी के लिए एक और बड़ी जो बढ़त स्टॉक में बनाने के लिए कारगर सिद्ध होगी। तो देखिए, डेली चार्ट मैंने बजाज हेल्थ केयर का ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं इस दायरे में, यानी कम से कम 8-10 महीने लगातार स्टॉक जो है उतार चढ़ाव का शिकार होते रहा था। उतार चढ़ाव कंटिन्यू यहाँ देखने को मिला था। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसने 2 बार लगातार है ना 600 के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया था, और इस बार ये 2 बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इस बार इस स्टॉक ने इसे तोड़ने की कामयाबी हासिल की पिछले महीने। और फिर एक गिरावट का दौर आप यहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर इसने 600 के लेवल पर सपोर्ट का जो है सपोर्ट लिया है। तो आप देख सकते हैं 676 का इसका प्राइस चल रहा है। 600 इसके लिए बहुत ही मजबूत सपोर्ट काम करेगा। हालांकि हो सकता है कि 600 का लेवल आपको इस स्टॉक में देखने को ना भी मिले, क्योंकि काफ़ी अच्छी दमदार कंपनी है। और इतनी बढ़िया खबर आने के बाद भी जो स्टॉक है भयंकर रूप से तेज़ी यहाँ अभी भी नहीं बनी है। 600 रुपये से लेकर सिर्फ 76 रुपये जो अपने सपोर्ट से अभी ऊपर है, और इसमें स्टॉक में जो है चलने की अभी गुंजाइश काफ़ी बाकी है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक मंथली चार्ट और दिखाया है। इस स्टॉक का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं सन 2016 में ये स्टॉक जो है 80 रुपये के आसपास यहाँ अवेलेबल था, 80 रुपये के प्राइस पे। वहाँ से आज आप देख सकते हैं मात्र 5 सालों में 676, यानी करीब 8-8.5 गुना पैसा ऑलरेडी ये बना के दे चुका है। 800% के बम्पर रिटर्न 5 महीनों में बना के दे चुका है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात ये होती है किसी स्टॉक के लिए मात्र 5 सालों में इतना दमदार रिटर्न देना। तो देखिए, अब इसमें ऐसा है कि जिन लोगों ने नीचे के लेवल पर ले रखा है, नो डाउट मैं हमेशा यही बोलता हूँ, कोई अच्छी कंपनी को आपने नीचे के स्तरों पर ले रखा है और आपके जो बाइंग प्राइस स्टॉक 150-200 या 50-60 रुपये भी ऊपर चल रहा है ना, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप इसे होल्ड करिए, बेचने की जल्दबाजी करेंगे तो बाद में फिर फील करेंगे कि इतने बढ़िया स्टॉक को गलत बेच दिया। कच्चा फल कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, इसे और पकने दीजिए। अभी 700 के लेवल पर इसने इंट्राडे का जो 10% का हाई लगाया था, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने वहाँ प्रॉफिट बुकिंग या 700 के लेवल से देखने को मिली है। लेकिन आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट आप मानिए 700 के लेवल को तोड़ देगा, इस स्टॉक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ मैंने अभी आपको मंथली चार्ट दिखाया है, आपने देखा है कि एक मंथ में 150-200 के मूव ये स्टॉक लेता है। अब इसमें जो लोग लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं, लंबी अवधि के लिए इसे होल्ड करना चाहते हैं, तो आपको जिस भी प्राइस पे स्टॉक पसंद होना CMP पर, आप तभी इसको ले सकते हैं। बस शर्त है कि आपको लंबी अवधि में इसे लेना पड़ेगा। और किन्हीं लोगों ने अगर 700 या 690 के प्राइस पे भी इसे होल्ड किया है और बाद में आपको लगता है कि स्टॉक नीचे आ गया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी स्टॉक खरीद ले और वहाँ से वो लगातार ऊपर ही ऊपर जाता जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी बाइंग प्राइस से स्टॉक नीचे भी आएंगे, लेकिन कंपनी अगर शानदार है तो आपको 1% भी यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसे आराम से होल्ड करिए। लंबी अवधि के जो निवेशक हैं इसे इस CMP पे कभी भी खरीद सकते हैं, और 2 से 3 महीने की अवधि के लोग भी हैं तो भी आप CMP पे, या हल्का सा आपको 10-20 रुपए का डिप अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है, उसे वहाँ पर ले सकते हैं। तो शॉर्ट में जानकारी बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में दे दी गई है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।